नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय हमारे पास जो जानकारी मिल रही है वो दिल को झकझोर देने वाली और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जी हां, ये घटना जो है भगवानपुर थाना अंतर्गत मुख्तियारपुर पंचायत के मानोपुर गांव की घटना है, जहां एक युवक ने पारिवारिक तनाव होने की वजह से फांसी लगा ली, यानी अपनी इहलीला समाप्त कर ली। हमारे जब जो रिपोर्टर वहाँ थे नारद कुमार हिमांशु ने जब वहाँ पे लोगों से संपर्क साधा और ये बात पता की कि तनाव का मुख्य वजह क्या था, तो लोगों ने बताया कि पति पत्नी में आपस में कभी बनाव नहीं रहता था, और बनाव नहीं रहने के कारण को जब जानने की कोशिश की गई तो सन्न कर देने वाली एक बात सामने आई। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि इस लड़के के मृतक की जो पत्नी थी वो बार बार पुलिस में शिकायत डालती थी कि हमारे साथ इनका संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके वजह से उक्त युवक काफ़ी तनाव में भी रहा करता था। मजदूरी करने वाला युवक पुलिस के आने और जाने से जब उसके घर पुलिस का आना जाना शुरू हुआ था तो काफ़ी विचलित हो गया था। इतना ही नहीं, एक सबसे बड़ी और कारण सामने आई है कि लड़का जो था वो नशा भी करता था, और नशे की स्थिति के वजह से शायद उसकी पत्नी का कहना है कि नशे वो किया करते थे और इस वजह से हमारा उनसे बनाव नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उक्त लड़की का संबंध कहीं और किसी और लड़के के साथ भी चल रहा था। मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है, भगवानपुर पुलिस मौजूद थी जो मामले को तफ्तीश कर रही है। मामला क्या होता है, फिलहाल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन जो भी हो, नशा या चरित्र पर जो उंगलियां उठी हैं, ये समाज को एक सीख लेने की ज़रूरत है, समाज को यहाँ से सीखने की ज़रूरत है, नए युवा पीढ़ियों को सीखने की ज़रूरत है कि हमें नशा और चरित्र ये दोनों को बचा करके रखने की बेहद ज़रूरत होती है। अच्छे समाज के निर्माण करने में अगर हम इस देश के अच्छे नागरिक होना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमें नशा से दूर होना पड़ेगा और चरित्र को पवित्र बना के रखना पड़ेगा। मैं पंकज भट्ट, बेगूसराय टुडे के लिए बेगूसराय से।